तक हम कोई बिजली की जो दरों में कोई वृद्धि नहीं करेंगे किसान के लिए, तो बहुत सारे ऐसे फैसले हैं कि अभी इससे पहले पंचायत राज में 10वीं पास होना चाहिए, 8वीं पास होना चाहिए, सरपंच पंच, अब सारा फैसला हमने एक ऐसा लिया है कि जो अनुभव वाले हमारे व्यक्ति थे, अब कोई 10वीं पास 8वीं पास की कोई योग्यता नहीं, अब तो कोई भी आदमी चुनाव लड़ेगा, हमने एक ये घोषणा कर दी, तो कोई भी चुनाव लड़ सकता है। पहले आप पे राइडर लगा दिया था कि 10वीं पास हो, किसी के पास 10वीं पास नहीं है, अनुभव वाला व्यक्ति है, फिर पंचायत राज का प्रधान बन सकता था, जिला प्रमुख बन सकता था, तो रोक दिया गया। अब हमने सभी को फ्री कर दिया, पढ़ने लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी प्रधान, जिला प्रमुख, सरपंच, पंचायत, जिला परिषद कोई भी बन सकता है, नगर निकाय के चुनाव में सीधे जनता से होंगे। तो इस तरह के हमारे फैसले हैं आम आदमी गरीब के लिए। तो हम चाहते हैं कि भाई जिस प्रकार हमने आप लोगों ने हमें राज्य में सत्ता सौंपी है, उसी प्रकार कड़ी से कड़ी जोड़ने के लिए आप संजय जाटव को कांग्रेस के वोट दें और ये लोकसभा में भेजें, तो ये भी आपका विकास, मान और सम्मान आपको देता रहेगा, आपकी बात को सुनेगा, आपका सम्मान करेगा। और दूसरा बिंदु हमारा ये है कि जो राजौरिया जी हैं, सांसद हैं अभी आपके, 5 साल में कितनी बार आए कोई बता सकते हैं क्या? नहीं भाई, कोई काम कराया हो तो बताओ कि भाई ये काम करा दिया, एक आध काम बता दो। हमें एक काम की जरूर मालूम है कि प्रत्येक पंचायत में ज्यादातर टैंकर खरीदे गए, पानी के टैंकर, अरे टैंकर खरीदे गए, 1,66,000 का टैंकर खरीदा, उसकी कीमत 66,000 है, 1,00,000 बीच में खा गया। अरे यहाँ तो टैंकर भी गुनायो, जांच करवाएंगे हम, हमने पता किया है लोगों से कि इसकी कीमत 60,000 से 70,000 होगी, 80,000 होगी, टैंकरों में घोटाला हो गया, बाकी पैसा किसी को नहीं मिला और किसी की सुनवाई भी नहीं हुई। तो अभी समय थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, आप लोगों से हमारा निवेदन है कि संजय जाटव जो हमारा कांग्रेस का कैंडिडेट है, उसे बाहरी बहुमत से जिताकर लोकसभा भेजना है, मेरा निवेदन है आपसे। आप सभी को राम राम, नमस्कार, जय हिंद।